क्वेश्चन नंबर 32, नए बुक का पुराने बुक का 30 है ना, शेयर कैपिटल दिया 2,00,000, 2,60,000, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है। एडजस्टमेंट सबसे पहले देखते हैं, एडजस्टमेंट खुला है कि 26,000 रुपए डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड लिखा है, अंतरिम लाभांश है ना, 26,000 रुपए इंट्रीम डिविडेंड लिखा है। उसके बाद एक दूसरे कंपनी से एसेट परचेज किया 60,000 रुपए में, इस एसेट्स में 21,640 रुपए का स्टॉक इन्वेंट्री और प्लांट और मशीनरी है 18,360 का, 20,000 का गुडविल था, ठीक है। इसके साथ ही 5,650 रुपए का प्लांट मशीनरी अलग से परचेज किए, ठीक है। उसके बाद लिखा है आयकर का भुगतान 25,000 रुपए, इनकम टैक्स का पेमेंट किया, इस साल का शुद्ध लाभ दिया 62,530 रुपए। इसकी रिक्वायरमेंट सर नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, अगर रहेगा तो इसका यूज कर लेंगे हम लोग। तो सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, नए बुक का 32, पुराने बुक का 30, नोट तैयार कर लेते हैं हम लोग। प्लांट एंड मशीनरी का नोट बना रखे, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी का देखो बैलेंस कितना दिया हुआ है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है 1,12,950, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,12,950, ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है हमारा 1,60,200 बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,16,200, ठीक है, क्लियर इतना। इसके बाद नीचे लिखा है कि हम लोग जिस कंपनी से एसेट्स परचेस किए हैं, जिस कंपनी से एसेट परचेस किए उसमें 18,360 रुपए का प्लांट एंड मशीनरी भी था। हमारा जो शेयर है 2,00,000 से 2,60,000 हुआ है, ठीक है। ये 60,000 का शेयर इशू करके हम लोग खरीदे हैं, स्टॉक खरीदे हैं, किसी के बिजनेस से स्टॉक खरीदे हैं दूसरे बिजनेस का, ठीक है। 21,640 रुपए का स्टॉक, 18,360 रुपए का प्लांट एंड मशीनरी और 20,000 का गुडविल, ऐड करो तो 60,000 रुपए आ जाएगा। इसका बिजनेस के एसेट्स को हम लोग परचेज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये शेयर दिए हैं, बदले में सामान लिए हैं, तो ना तो इसका पैसा हमको देना पड़ा ना इसका पैसा हमको मिला। ये 60,000 का शेयर गया, इसका पैसा हमारे पास नहीं आया, और ये एसेट्स आया, इसको भी हमको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। ये जो प्लांट एंड मशीन आया 18,360 का, वो यहाँ पे आ जाएगा बाय परचेज इशू ऑफ शेयर पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, इसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर, कैश नहीं आया इसके बदले, ठीक है, सॉरी परचेज इधर आता है, इधर सेल आता है ना, टू परचेज इशू ऑफ शेयर, कितने में खरीदे 18,360 रुपए में, ठीक है। उसके बाद नए और भी खरीदे हैं, देखो 5,650 रुपए का नया परचेज किए हैं, उसको भी देते हैं टू परचेज, ब्रैकेट में देता हूँ कैश परचेज है, ठीक है, ये कैश परचेज कितने में 5,650 रुपए में, क्लियर इतना। इस साइड का प्लस करो, इस साइड का माइनस करो, कितना रहा बताओ, इस साइड का प्लस कर दो, इसको प्लस करके माइनस की कितना आया 20,760, और टोटल करने से 1,29,960, 1,29,960, ठीक है।
अभी पहला क्वेश्चन है जो इधर बैलेंस आ रहा है, क्या लिखूं मैं इसको बताओ। इधर दो चीज आता है, या तो सेल्स या तो डेप्रिसिएशन। अब सेल के कहीं प्रॉफिट ऑफिट लिखा नहीं है, मतलब सेल नहीं है, ये डेप्रिसिएशन है। अगर डेप्रिसिएशन पहले से रहता है तो क्या मानते, फिर सेल्स मानते हैं, ब्रैकेट में बैलेंस। ठीक है, ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हो गया। चलो हो गया ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमारा क्लियर। ठीक है, गुडविल देखो, पहले डैश था फिर 20,000 है। ठीक है, अब 20,000 जो नया परचेज किया उसका है, तो गुडविल का भी हमको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, अब हम बनाते डायरेक्ट एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डालते हैं, नोट नंबर 2, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 2 साल का प्रॉफिट दिया है, तो पिछले साल का प्रॉफिट को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और इस साल के प्रॉफिट को टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना कितना दिया हुआ देख लो, ये दिया है 39,690 और इस साल का दिया 41,220। ठीक है, चलो उसका देखते इधर। सबसे पहले डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहाँ पे, टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसके बाद और कुछ चीजें कम ज्यादा हो रहे हैं क्या देख लो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000 दिया है, 50,000 दिया है, नीचे बोला है कि 25,000 पेमेंट किया, तो इसका भी हमको नोट्स बनाना था। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट भी हम लोग को बना लेना था, तो बना लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट, मैं इसके नीचे बना देता हूँ। ठीक है, तो इसको नोट नंबर 2 मत करना, इसको नोट नंबर 3। नोट नंबर 2 बनाते हैं पहले हम लोग यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। कब बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, जब हमको 2 साल का दिया हो बैलेंस शीट के अंदर में, और नीचे में भी उसके बारे में कुछ ना कुछ बोला है, 3-3 चीजें दी हुई हैं, तब हम लोग बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। सेम ऐसे डिविडेंड का भी है, अगर प्रपोज डिविडेंड आपको ऊपर में 2 साल का दिया, पिछले साल का भी, इस साल का भी, या नीचे में भी कुछ ना कुछ दिया हुआ है, तब हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट की जगह में मतलब डिविडेंड भी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना दिया पिछले साल का, 40,000 रुपए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपीज। ठीक है, और इस साल का दिया है 50,000 रुपीज। ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 रुपीज। ठीक है, हमारा 40,000 रुपए पिछले साल का प्रोविजन था, इस साल और कितना प्रोविजन की नहीं पता, लेकिन 25,000 रुपए टैक्स का पेमेंट करने के बाद, भुगतान करने के बाद, 25,000 रुपए टैक्स पेमेंट करने के बाद, टैक्स पेड, टैक्स पेमेंट करने के बाद हमारा कितना बचा हुआ है, 50,000 बचा हुआ है। इसका मतलब पिछले साल जो प्रोविजन कितना किया है, इस साल का जो प्रोविजन है वो हमारा है 35,000 रुपए। कैसे आए ये, इसको जोड़ दिए 75 में 40 माइनस करें तो 35 आया। एक क्वेश्चन हम इससे पहले जो पढ़े थे वो प्रोविजन दिया था तो ये निकाले थे, इस बार ये दिया तो ये निकल गया। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंस, इतना प्रोविजन। देखो अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं हम लोग, पिछले साल 40,000 प्रोविजन था, 35,000 और प्रोविजन किए तो कितना हो गया, 75 हुआ प्रोविजन टोटल। प्रोविजन क्यों कर रहे हैं, टैक्स पेमेंट करने के लिए। ठीक है, अब टैक्स का पेमेंट कितना कर दिया हम लोग, 25,000 टैक्स का पेमेंट कर दिए, 40,000 पिछले साल था, 35,000 और किए तो टोटल 75 हुआ, 75 में 25,000 हम लोग टैक्स का पेमेंट कर दिए, तो बचा कितना प्रोविजन में, 50,000। क्लियर है ये, चलो ठीक है। ये जो प्रोविजन किए हैं वो इधर आ जाता है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रॉफिट एंड लॉस में, सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में प्रॉफिट लॉस लिखे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, और उसके बाद
साल का इंटरिम डिविडेंड दिया है 26,000 रुपए टू इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड 26,000 रुपए और लैंड एंड बिल्डिंग पिछले साल 1,48,500 था और इस बार 1,24,250 है, ये भी कम हो रहा है, कम हो रहा है तो क्या लिखते हैं उसको, डेप्रिसिएशन ऑन, ठीक है शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे तो फुल लिख लेना, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है कितना आ जाएगा ये 4,250, ठीक है एक बार निकालो डिफरेंस कितना आएगा, फिर इस साइड का प्लस कर दो और प्लस करने के बाद अगर माइनस करोगे तो हमारा आ जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन ब्रैकेट में बैलेंस कितना जाएगा 87,540 आ रहा है, ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट, ठीक है इसके बाद हम लोग को फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, इससे पहले हम लोग बनाना रहता है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बना लेना, ठीक है दोनों, ठीक है कंप्लीट, ये बता देता हूँ देखो क्या क्या चीज आएगा, ये परचेस आएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में इस साइड, ठीक है ये डिविडेंड पेड भी आएगा, इंटरिम डिविडेंड आएगा, एक बार यहाँ पे आया तो एक बार वहां पे आ जाएगा, और जो टैक्स पेमेंट है एक बार यहाँ लिखे तो एक बार वहां पे, ये प्रॉफिट लॉस दो बार आ चुका है 35-35 वो नहीं आएगा, ठीक है ये आ जाएगा इंटरिम डिविडेंड जो पेमेंट किए वो टैक्स पेमेंट आ जाएगा, ये परचेस किए वो आ जाएगा, तीनों चीज उस साइड आ जाएगा, ठीक है और देख लेना कुछ चीजें होगा तो डिफरेंस अमाउंट लिख लेना, ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नए बुक का 33 पुराने बुक का 31 और 33, ठीक है इसको नोट्स बनाते हैं, इसमें देखो शेयर कैपिटल के लिए कैपिटल दिया है, इस क्वेश्चन में ऊपर शेयर कैपिटल ना देखिए कैपिटल दिया हुआ है और कैपिटल और नीचे में दिया है प्रॉफिट या शुद्ध लाभ, तो शुद्ध लाभ प्रॉफिट शेयर कैपिटल ना कैपिटल दिया हुआ है और लाइबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखा है, लाइबिलिटी अमाउंट दिया है फिर एसेट अमाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये किसी कंपनी का नहीं है, ये नॉर्मल किसी बिजनेसमैन का है मिस्टर आलम और उसके बच्चों का, मिस्टर आलम एंड सन्स का, ये किसी कंपनी का नहीं है चिट्ठा ये, ठीक है बैलेंस शीट नहीं है ये, ठीक है तो इसके लिए हम लोग बना लेते हैं, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट गायब है ड्रॉइंग, ड्रॉइंग नहीं दिया है तो मैं आप लोगों को निकाल बताऊँ कितना ड्रॉइंग है, ठीक है तो मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट कैपिटल किस साइड है लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी साइड का बैलेंस हमेशा क्या होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट से स्टार्ट होता है, ठीक है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया है 125,000 दिया पिछले साल का, ठीक है फिर इस साल का नेट प्रॉफिट है उसको ऐड कर देते हैं या फिर सीधी सी बात ऐसा बना लेते ना जैसे बनाते पहले भी क्वेश्चन में बनाए थे हम लोग, ठीक है क्लोजिंग कैपिटल या फिर ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हम लोग और ड्रॉइंग को माइनस करने से क्या आता हमारा क्लोजिंग कैपिटल आता है, नॉर्मली हम लोग क्या बनाते थे ओपनिंग कैपिटल जो दिया है हमारा 125,000, इस 125,000 में क्या करते थे नेट प्रॉफिट को जोड़ देते थे, नेट प्रॉफिट कितना दिया नेट प्रॉफिट हमारा, नेट प्रॉफिट दिया 45,000 रुपए दिया हुआ नीचे देख लो 45,000 दिया हुआ, ठीक है ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा ये 170,000 रुपए, ठीक है हमारा 125,000 रुपए पिछले साल का कैपिटल था ओपनिंग कैपिटल, इसमें 45,000 नेट प्रॉफिट जोड़ दिए तो कितना 170,000 बचना चाहिए, जबकि बचा कितना है 153,000 1,53,000 बचा हुआ है, ठीक है इसका मतलब बाकी पैसा 17,000 रुपए क्या किए निकाल दिए हैं, ये माइनस कर दिए क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस कर दिए तो हमारा क्या आ गया ड्रॉइंग्स आ गया बिजनेस का ड्रॉइंग्स कितना पैसा हम लोग निकाले हैं, ठीक है अगर हम लोग ड्रॉइंग माइनस कर देते तो क्लोजिंग कैपिटल आता था, क्लोजिंग कैपिटल माइनस किए तो ड्रॉइंग आया, ठीक है ये एक नोट्स हो गया, दूसरा नोट्स बना लेते हैं मशीनरी के लिए, नोट नंबर 2 मशीनरी अकाउंट, ठीक है मशीनरी अकाउंट,
बाय सॉरी मशीनरी पे बैलेंस आता है यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया हुआ मशीनरी 80,000 रुपया दिया हुआ है ठीक है। नीचे में इसके बारे में क्या बोला है एक मशीन जो 10,000 का कॉस्ट था जिसमें 3,000 रुपए अभी तक डेफिनेट लग चुका है मतलब उसकी वैल्यू 7,000 रुपए है आज के डेट में उसको 5,000 भी बेच दिए तो 2,000 का लॉस है ठीक है। तो बाय सेल 5,000 में बेचे हैं लॉस ऑन सेल 2,000 रुपए ठीक है। एक मशीन 10,000 रुपए का है उसमें अभी तक 3,000 रुपए डेफिनेट लग चुका है मतलब उसकी वैल्यू 7,000 है 7,000 की मशीन को 5,000 में सेल करोगे तो 2,000 का लॉस ठीक है। उसके बाद लिखा है मशीन के लिए राशि का प्रावधान दिया है 25,000-40,000 दिया हुआ है ठीक है। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा वो निकालना पड़ेगा हमको उसके लिए अलग से नोट्स बनाना पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा वो बनाना पड़ेगा हमको ठीक है। तो कितना आएगा देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ ना नॉर्मली हम लोग दोनों साल का डिफरेंट निकाल के हम लोग डेफिनेट निकाल लेते हैं पर 3,000 वाला जो एक्यूमुलेटेड था हमको दिया है 25,000 दिया पिछले साल का और इस साल का दिया 40,000 हमको डिफरेंस देखने से ऐसा लग रहा है कि कितना डिफरेंस है 15,000 का तो 15,000 इस साल का हमारा डेप्रिसिएशन है ना। पर जिसमें डेफिनेट 3,000 इकट्ठा था पिछले साल 25,000 इकट्ठा था डेप्रिसिएशन हमारा एक्यूमुलेटेड इस साल 40,000 है ठीक है। 40,000 डिफरेंस कितने का है 15,000 का ठीक है। लेकिन 25,000 में 3,000 वाला तो चला गया जिसको मशीन उन्होंने बेच दिए हैं 3,000 लिखा हुआ भी देखो संचित राशि 3,000 रुपये है वो जा चुका है ठीक है। तो उसका वैल्यू कितना बचा 3,000 माइनस करने के बाद 22,000 बचा हुआ है। अब 22,000 का डिफरेंस 40,000 से निकालो तो कितना आएगा इस साल का डिफरेंस 18,000 आएगा ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग 40,000 प्लस 3,000 माइनस 25,000 रिवर्स मेथड में लिखेंगे इसको तो 43 में 25 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 18,000 ठीक है। जो इस साल का है जो बिक गया उसको प्लस और जब जो पिछले साल का था उसको माइनस कर दिए तो हमारा 18,000 रुपये इस साल करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। इसके लिए फिर आपको अलग से नोट्स बनाना पड़ता ठीक है। नोट बनाना तो इसका नोट हम लोग बना सकते हैं इसका नोट किस तरीके से बनता है बताया तो मैं संचित राशि लिखा हुआ ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ठीक है। कितना है ये 25,000 था साल की शुरुआत में ठीक है और साल के लास्ट में कितना है टू बैलेंस कैरी डाउन 40,000। इसमें एक मशीन बिक गया है जिसका डेफिनेट कितना था 3,000 था एक्यूमुलेटेड डेफिनेट 3,000 था ठीक है। 40,000 ऐड करोगे तो इसको माइनस कर दो कितना जाएगा आपका 18,000 रुपये आ जाएगा बाय इस साल का डेप्रिसिएशन ठीक है करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया ये ठीक है। अगर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के अंदर होता बैलेंस शीट के अंदर में होता तो ये नोट्स बनाना कंपलसरी होता ये दोनों नोट्स पर ये अभी कंपलसरी नहीं है क्योंकि ये नीचे ये नोट्स में नीचे दिया हुआ है इसीलिए शॉर्टकट हम लोग ले लिए ठीक है। और क्या दिया 5,000 रुपये लाभांश प्राप्त किया वो तो एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस में आता है चलो प्लस माइनस कर देते हैं हम लोग लास्ट में हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है 55,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना क्वेश्चन में 55,000 दिया हुआ है। तो इस साइड का टोटल करो आप कितना आ रहा है एग्जैक्ट आ रहा है 60,000-80,000 आ रहा है ठीक है आ रहा 80,000 एग्जैक्ट आ रहा है ठीक है मतलब कोई भी खरीदी बिक्री और इसके अलावा नहीं हुआ है ठीक है। अगर इस साइड कम आता तो परचेज करके लिखते पर है ही नहीं बराबर हो गया ठीक है। अब इसके बाद बनेगा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आता बना लेना उसको ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31-33 कंप्लीट ठीक है।